महिलाओं को घर में घुसकर जिस बर्बरता से पीटा, पुरुषों को तो पीटा ही है पर महिलाओं को अर्थ मतलब मरी हुई हालत में एक महिला को पीट पीट कर उसको अर्थ मारा कर देना, क्या ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती है? आप रात में रात आप घर में घुसते हैं रेड मारने के नाम पे, छापा मारने के नाम पे, पर आपको इस तरीके से किसी को भी मारने का अधिकार किसने दिया? और अभी तक इन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीजीपी यहाँ कल थे, कल एक डीजीपी गोली मार दी गई, कल मकाय मीटिंग कर रहे थे उसके शाम होने के बाद एक को गोली मार दी गई, इससे पहले भी एक के बाद भी अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो ये अपने में दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में है, रक्षक खुद भक्षक बनकर जनता को प्रताड़ित करने का काम। सभापति खुद देखने आए थे इस महिला को? पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री से लिखित रूप में डीजीपी और एसपी को भी उसकी प्रतिलिपि दूंगा कि तत्काल प्रभाव से जितने भी उस थाना के अंतर्गत पुलिस कर्मी है सबको बर्खास्त किया जाए। अगर जिन लोगों के ऊपर आरोप है वही लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या कभी न्याय सामने आएगा, सच्चाई सामने आएगी? तो सबसे पहले तो उन लोगों को बर्खास्त किया जाए और एक नई टीम के द्वारा निष्पक्ष इसकी जांच करवाई जाए। जो गरीब परिवार के लोग हैं ये लोग अपने इलाज का खर्चा तक नहीं उठा पा रहे, जो जनप्रतिनिधि को भी जो थोड़ा पैसा राशि इन लोगों ने इकट्ठा करके रखा था वो भी रेड मारने के नाम पे उठा लिया गया। सरकार तत्काल प्रभाव से कम 15 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को दे और जितने दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सभापति आए थे बोले थे कि दोषियों पर कार्रवाई होगी लेकिन अभी तक नहीं हुई। मैं सभापति से भी मैं इस विषय पर बात करूंगा। कई जनप्रतिनिधि पर भी FIR हुआ है। क्या कर इन लोग के आने के बावजूद ले लीजिए हो गया सत्ताईस आदमी के नाम जो और 31 आदमी अज्ञात।